एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में मार्क्स देखने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड्स थे कि इग्नू के असाइनमेंट्स आप बेसिकली टाइम गाइडलाइंस बताओ कि कैसे हैं, क्या क्या बनाना है। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन करवाया है, उन लोगों के ज़्यादा डिमांड थे कि असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक असाइनमेंट्स एंड हाउ टू सबमिट इट। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, हाउ टू मेक, हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन योर आरसीज, राइट। सो बात करते हैं आज हम इग्नू से रिलेटेड गाइडलाइंस की, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट क्लियर करते हैं, देन आपको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लाइक इमेजेस मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के मटेरियल यूज़ करने हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सी, यूज़ ओनली फुल स्क्रैप साइज पेपर फॉर ए साइज, मतलब ए फोर साइज के पेपर यूज़ करने हैं, डोंट यूज़ थिन पेपर, राइट। अब मैं आपको बताऊँ कि ये ए फोर साइज पेपर क्या है और कैसे असाइनमेंट्स के इसके मतलब किस तरीके से ये लुक करता है, ठीक है। सी, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और ये 50 पेजेस का एक बंडल होता है जिसमें आपको 40 या 45 रुपीस के ये आपको एक पड़ेगा, राइट। इसके अंदर 50 पेजेस होते हैं एंड ये लुक कैसा करता है, एक तरफ रोलिंग होता है और सेकेंड के तरफ ब्लैंक पेपर होता है, राइट। और इसी तरीके के आपको क्लासमेट के पेपर ज़्यादा अच्छे होते हैं असाइनमेंट्स के लिए, वो ज़्यादा थिन भी नहीं होता और ज़्यादा फैट भी नहीं होता है। तो ये थे आपके पेपर के रिक्वायरमेंट, कि आपके पेपर के रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे पेपर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि लीव एटलीस्ट वन और फ्यू लाइन्स आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वन आंसर, सो that the evaluator writes your useful comments on blank areas, right? See, point number two क्या कहते हैं कि ये आपको जो है हमेशा आपके first answer, second answer, जितने भी answers आप complete करते हैं, जितने भी number of questions होते हैं, उसके complete होने के बाद आपको at least two or three lines को छोड़ना है, blank करना है, ठीक है। At least two, वन और टू, ठीक है, ताकि आपके जो इवैल्यूएटर होते हैं, जो आपके कॉपी चेकिंग करते हैं, वो आपको कमेंट्स कर पाएँ आपके ब्लैंक एरियाज पे, ठीक है। मैं आपको एंड में एक इमेजेस दिखाऊंगी जिसमें आपको सारी चीज़ एक इमेजेस में क्लियर कर दूंगी कि हाउ द लुक पेपर, ब्लैंक एरियाज कैसे छोड़ने हैं और बाकी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इसमें आगे के पॉइंट में आपको उस वीडियोज़ में उस इमेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थर्ड थिंग, वी रिकमेंड यूजिंग रूल पेपर सीन एंड ब्लैंक पेपर टू राइट योर असाइनमेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो एडवाइजेस टू इग्नू ऑफिशियल, लाइक जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपको रूल पेपर के साथ ब्लैंक पेपर वाले पेजेस को यूज़ करना है। बेसिकली आप असाइनमेंट्स के लिए पेज मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप क्लासमेट के पेपर्स को यूज़ करो, ए फोर पेपर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये इग्नू ऑफिशियल से भी रिक्वायर है कि हाँ ये परफेक्ट है। फोर पॉइंट, कैंडिडेट कैन यूज़ अ ब्लैक और ब्लू पेन टू राइट देयर असाइनमेंट्स फॉर एनी टी सेशन। सो जब भी आप असाइनमेंट्स को लिखो तो आप हमेशा दो पेन्स ओनली यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, राइट। ब्लैक से आप अपने क्वेश्चंस को इन्हांस कर सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट को ब्यूटीफुल मतलब कुछ लुक अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक और ब्लू पेन से आप आंसर्स को राइट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो असाइनमेंट्स होगा वो थोड़ा सा लुक में अच्छा दिखेगा एंड लुक इन्हांस होती है, राइट। फाइव नंबर पॉइंट्स, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू यूज़ रेड पेन और अदर कलर पेन। सी, काफ़ी टाइम स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि मैंने सॉल्व किया असाइनमेंट, मैं फेल हो गया, आपके सॉल्व असाइनमेंट्स मैंने यूज़ किए,
सी होता क्या है प्रॉब्लम कि आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने तो ऑब्वियसली आपके आपने जो असाइनमेंट लिखा मेरा आपके आपके स्लो हो गया नंबर, बट बाकी सारे असाइनमेंट्स जो भी स्टूडेंट ने लिखा उनके मार्क्स इनहैंस हुए हैं। 90 95 प्लस मार्क्स आते हैं मेरे असाइनमेंट्स सॉल्व किए असाइनमेंट्स से। तो हाँ, काफ़ी बार होता है कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मतलब माइंड है, मिस्टेक सबसे होती है, तो एक एक आध क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट इट्स नॉट इट्स ह्यूमन बीइंग आल्सो मिस्टेक ह्यूमन बीइंग। तो बात यहाँ ये है कि आप हमेशा जो आप कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पॉइंट्स को इनहैंस करने के लिए रेड पेन का यूज़ करते हैं, बट ये बहुत ही रॉन्ग है। आप यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता है। काफ़ी बार असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी आरसी आपको मेल नहीं करती हैं कि आपके असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो गए। काफ़ी दिल्ली वाला जो है आरसी, तीनों दिल्ली के आरसी जो हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 के आरसी हमेशा आपको मेल कर देते हैं या आपके मैसेजेस बॉक्स में आपको मैसेज सेंड कर देते हैं कि आपके असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं, बट काफ़ी नहीं कर पाते। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है कि बेटर हैंड राइटिंग ऑल्सो बेनिफिट फॉर बेस्ट मार्किंग इन योर असाइनमेंट वर्क। सी, बेटर राइटिंग इट्स नॉट बेनिफिट फॉर ओनली असाइनमेंट्स, ओनली फॉर योर असाइनमेंट, इट्स बेनिफिट्स फॉर योर एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स बी टू राइट एनी थिंग, राइट। तो बेटर राइटिंग का सबको पता है कि अच्छे राइटिंग से लिखा गया कोई भी चीज़ इवेल्युएटर ही क्या, जब बाकी लोग पे भी अच्छा असर करता है, राइट, इफेक्ट होता है, इफेक्टिव होता है, तो बात इस चीज़ की है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि कैंडिडेट हैव टू यूज राइट देयर असाइनमेंट विद देयर हैंड, विच मीन्स ओनली हैंड रिटन असाइनमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय इग्नू। या तो काफ़ी बार मुझसे ये भी पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा रहा है कि कमेंट में बहुत ज़्यादा और मेल पे भी कि मैम मेरे जो प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स हैं वो काफ़ी कोडिंग, बीसीए, ऑब्वियसली बीसीए के स्टूडेंट हो तो आपके लैब वाले या प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट में कोड वगैरह रहता है। ठीक है, तो वो कोड क्या मुझे लैपटॉप पे लिख के प्रिंट आउट निकाल के उस पर इंसर्ट करना है? नो नो नो, इट्स नॉट इंसर्टिंग ऑन योर असाइनमेंट। जो जैसे कोड आपने लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिखो। अपने कितने भी लंबे कोड्स हैं, काफ़ी 4 सेमेस्टर में मैंने HTML का जो मैंने देखा था, मैंने ही खुद वो सॉल्व किया था, इतना लंबा लंबा कोड्स था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोड को लिखो, लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप हैंड रिटन या असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और वही एक्सेप्ट होता है। अगर आप प्रिंटेड असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर वो हैंड रिटन है, और काफ़ी बार स्टूडेंट होता है कि हैंड रिटन असाइनमेंट खरीदते हैं, लाइक ऑनलाइन नहीं सॉल्व, ऑनलाइन नहीं जमा हो पाता है तो ऑफलाइन ही जमा करते हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये भी गलत ही होगा। ठीक है, काफ़ी आरसी जैसे छोटे छोटे आरसी तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट नॉट ऑलवेज, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 नंबर कह रहा है, सॉरी 8 नंबर, डू नॉट प्रिंट योर असाइनमेंट्स, लाइक मैंने अभी जैसे कहा कि कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि दे कैन नॉट कॉपी देयर आंसर फ्रॉम योर एनी यूनिट ब्लॉक्स गिवन बाय यूनिवर्सिटी, इफ़ यू कॉपी योर आंसर देन यू विल गेट मार्क्स 0 मार्क्स, आपको कॉपी किए करने के लिए क्वेश्चन के मिल जाएंगे। देखिए, आपके कभी भी असाइनमेंट जो होते हैं ना, आप कभी अपने यूनिट से, यूनिट मीन्स आपके जो आपको ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है, जो बुक में जो ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, उससे आप कभी आंसर्स को मत लिखो। जैसे आप अब वहाँ से, काफ़ी स्टूडेंट अब वहाँ से नहीं लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? तो इसमें है ना कि आप लिखो, लेकिन आप कुछ अपने तरीके से ऐड करो, अपने तरीके से उस चीज़ को लिखो। काफ़ी सारे चीज़ अपने तरीके से भी लिखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है आपके आगे फ्यूचर के लिए, राइट। 10 नंबर पॉइंट है कि कैंडिडेट हैव टू राइट एन असाइनमेंट सॉल्यूशन विद देयर ओन हेल्प,
If you copy any assignment from your other student, then your ma assignment are rejected by their centers. Obviously, आप अगर किसी अगर आप दूसरे आरसीज के स्टूडेंट की असाइनमेंट कॉपी करते हो तो वो तो चल जाएगा, बट आप अपने ही आरसी के असाइनमेंट स्टूडेंट के असाइनमेंट्स को कॉपी करते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा. और ये अगर पता चल जाता है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स को दे विल गेट 0 मार्क्स फॉर दिस कॉपी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. 11 नंबर आपका कह रहा है कि पेपर और प्रिपेयर और राइट इच कोर्स असाइनमेंट सेपरेटली, डू नॉट राइट ऑल असाइनमेंट इन वन सेट. ठीक है, लाइक काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि असाइनमेंट जब जमा करने के लिए जाते हैं, सबमिट करने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जितनी भी कोर्स है, मतलब मान लो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो उसमें 5 बुक हैं, जिसमें 5 बुक के भी जितने भी पेजेस हैं उस सब एक ही में इंक्लूड कर देते हैं, जो कि वो भी करना गलत है क्योंकि इवेल्युएटर को आपके असाइनमेंट्स प्रॉपर मिलेंगे नहीं, एक्यूरेट सेपरेटली, और वो आपको नंबर नहीं देंगे और पहली पहले देखते के साथ आपके रिजेक्ट कर देंगे. तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. तो आप जितने भी असाइनमेंट्स को लो, एक टैग आता है वाइट और ब्लैक में, उस टैग से जितने भी पेजेस होते हैं एक कोर्स के, पर ईच कोर्सेज असाइनमेंट्स को टैग करो और एक सेपरेट फाइल. मैं आपको लास्ट में फाइल्स की भी फोटोज़ दिखाऊंगी, इमेजेस की, कैसे फाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ आरसी में, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो. ठीक है, तो उसको सेपरेटली टैग करके एक ही फाइल में सेपरेटली मतलब फिट करके, इंसर्ट करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, फ्रंट पेजेस भी इंक्लूड होते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रंट पेज. ठीक है, और फ्रंट पेज में भी क्या क्या ज़रूरी होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ. 12 नंबर क्या कह रहा है कि राइट ईच क्वेश्चन बिफोर राइटिंग एन आंसर सो यू डोंट नीड अटैच योर क्वेश्चन पेपर वाइल सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स. देखो, अगर आपको ना अच्छे नंबर लाने हैं तो आप कभी क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल के कभी मत जमा करना. ठीक है, आप अपने जितने भी, जैसे जैसे आप आंसर्स को लिखोगे उसके पहले आप अपने सारे क्वेश्चन, कितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन हो, आपको उस क्वेश्चन को लिखना है, ताकि आपको इवेल्युएटर को लगे कि हाँ बच्चा मेहनत किया है, उसके मार्क्स देने चाहिए. ठीक है, और हाँ, मैं हमेशा पेन रिकमेंड करूँगी कि मुझे ये पेन के लिए भी आया था, मैं पेन, आप राइटोमीटर का पेन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो बहुत ही इजीली हो जाता है, इतना सॉफ्ट स्मूथ चलता है ना, इतना पतला कि आप असाइनमेंट्स के लिए वो बेटर चॉइस है. ठीक है, और हाँ, ब्लैक पेन के लिए आप कोई थिन लाइन वाला, जो थोड़ा सा मोटा और गहरा चले, उस चीज़ को आप यूज़ करो. ठीक है, उस पेन को. 13 नंबर पॉइंट, आफ्टर फिनिशिंग योर असाइनमेंट्स राइटिंग, यूज़ द फाइल एंड द अरेंज ऑल योर असाइनमेंट्स इन प्रॉपर मैनर. नोट, प्लास्टिक फाइल विल नॉट एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी इन अ सर्कुलर. बेसिकली ये जो आपके नोट है ना, वो मुझे, हम हर आरसी पे ये चीज़ नहीं है कि आप प्लास्टिक फाइल्स अलाउड नहीं है. काफ़ी बार मेरे ही आरसी के असाइनमेंट मैंने जब पेपर वाला मैं लेके गई थी, कोट वाला जो कोई था, एक पेपर फाइल सॉरी, वो एक्सेप्ट नहीं किया. वो बोलने लगा कि वो जो क्लियर बैग आता है फाइल रखने के लिए, उस चीज़ को आप लेके आओ. तो ठीक है, ये जो नोट है हर आरसी के लिए अलाउड नहीं है, तो बेसिकली आप पेपर वाला ही, कोट वाला ही आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों रिस्क लेना. ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट बी सेंड देयर कंप्लीट असाइनमेंट टू योर द कोऑर्डिनेटर ऑफ द अलॉटेड स्टडी सेंटर. ठीक है, यू कैन नॉट सेंड टू एनी अदर रीजनल सेंटर लाइक आरसी वैल्यूएशन डिजाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वैल्यूएशन.
आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो आपको जाके कोऑर्डिनेटर यानी आपके जो एससी होते हैं स्टडी सेंटर में आपको जमा करने होते हैं। बट ये रूल था 2020 के पहले, बट अब रूल हो गया कि आप आरसी में भी जाके जमा कर सकते हैं अगर आपका स्टडी सेंटर अलाउड नहीं करता है आपके असाइनमेंट्स को तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको इस तरीके की फाइल आपको यूज़ करनी है। ठीक है, इस तरीके की फाइल ही मेरे को बोल रहा था वो कि आप लेके आओ। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं जब ये लेके आई हूँ तो फिर उसका क्या करूँ, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो पेपर वाला ही था। बट हाँ, हम हर आरसी का नहीं कह सकते हैं कि प्लास्टिक वाला एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो ये गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आपके डिमांड्स पे ये वीडियो को लाके मैंने अपना वादा पूरा किया, और आपकी बारी है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 बार लेके जाओ, ताकि मैं और बाकी के असाइनमेंट्स को अपलोड कर पाऊँ विद एनर्जेटिक फील। एंड या सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।